दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से मेरे शहजादे मेरे लीडर मोहम्मद हसन की तरफ से और जनाब अली सुपर शम्स वाशिंगटन पाउंडर की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम सीखेंगे सोडियम सिलिकेट। हम जब डालते हैं तो ये ऑयली बन जाता है, इसको हाथ लगाओ, ये ऑयली बन जाता है, साफनेस आ जाती है इसमें। साफनेस और ऑयली बनाने के लिए हम सोडियम सिलिकेट का इस्तेमाल करते हैं। मैं 3 साल से सोडियम सिलिकेट इस्तेमाल करता हुआ आ रहा हूँ, बड़ा आशिक हूँ इसका। पहले इसको 10% में डालता था, कितना डालता था जनाब अली? 10%। फिर आया 5% पे, फिर जनाब अली जो उस्ताद मुझे सिखाने वाले उनसे पूछा, उस्ताद ये गुठलियाँ बन रही हैं, कौन बना रहा है ये छोटी छोटी? कह रहा है कि ये बना रहा है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट पानी में नहीं गलता, क्या जनाब अली? ये डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है? तो जनाब अली इसकी सोडियम सिलिकेट जो है सिलिका ऑयंस जो है रिएक्ट करता है हाइड्रोजन ऑयंस के साथ पानी में, और जनाब अली सिलिकेट एक्सिड भी जनाब अली क्रिएट होती है, जो जनाब अली सिलिकॉन डाइऑक्साइड जेल पैदा करती है, गोंद पैदा करती है। सोडियम सिलिकेट ये 80% ये गिलास की सनत में इस्तेमाल होती है, ये रेत के ज़रात से बनती है। ये जो बनती है सिलिका से जो रेत है उसको और सोडियम कार्बोनेट को इतना गर्म करते हैं जनाब अली, गर्म करते करते 1100 cc जब वो वहाँ तक आता है तो एक फॉर्म पैदा होता है, एक ग्लास पैदा होता है, एक शीशा पैदा होता है। तो सोडियम सिलिकेट बेहतरीन है, मगर वाशिंग पाउडर में ये पानी में जब हम डालते हैं गलता नहीं, छोटे छोटे गंढे भी बन जाते हैं। तो जनाब अली मैंने फिर रिसर्च की किताबों में इन जनाब अली घुसा, तो जनाब ये 2-3% आप डालें, आपका वाशिंग पाउडर सॉफ्ट भी रहेगा, ऑयली टच भी देगा। ये सोडियम सिलिकेट जिसके बाद हार्ड ड्रायर हो हार्ड करने के लिए, वो जनाब अली ये यूज़ कर सकता है। आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये गंदे ये नहीं टूटेंगे। मेरा जो ये अपलोड करने का जो प्रोग्राम है सिर्फ इसलिए कि जनाब अली 3 साल से 2-4 बोरे पड़े हुए थे सोडियम सिलिकेट, उसमें भी था 10%। बच्चों को बोला ये बोरे पड़े, इसको छानो, इसको साफ करो, देखा आप सब यकीन करो 200 केजी में से 5 किलो गंदे बने, 5 किलो गंदे बने निकल आए जनाब अली जाली से। अरे बाबा ये गंदे किसके हैं? जैसे ये सोडियम सिलिकेट के, यानी 3 साल में भी जालिम ये गलता नहीं है, वो ही छोटे 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 गंदे रह जाते हैं। बेहतरीन है गिलास की सनत में, बेहतरीन है सॉफ्टनेस के लिए, बेहतरीन है ऑयली करने के लिए आपके वाशिंग पाउडर को, ठीक है? मगर ये वाशिंग पाउडर में पानी में ये गलता नहीं है, हालांकि ये मददगार है। ये जनाब अली रिएक्ट करता है H+ के साथ, यानी एक्सिड के साथ, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड झील पैदा करता है जो इसको ऑयली बनाता है, सॉफ्टनेस लेके आता है। मगर मजबूरी ये है ये पानी में नहीं गलता, और मजबूरी ये है कि छोटे 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 ये गंदे रह जाते, ज़्यादा नहीं 1% ज़्यादा नहीं। हसन साहब ये देखो कितने गंदे हैं, देखो हैं या कम है या ज़्यादा हैं? ये कल का मेरा इंजीनियर, ये MD सुपर शम्स वाशिंग पाउडर, ये 1 महीना छुट्टी पे आया है, तो जाहिर है भाई इसको शौक है, जुनून है, तो ढूंढो कितने मिले यहाँ इस
डब्बे में से अंदाजन। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जिन दोस्तों को मैं बोलता था कि 10% सोडियम सिलिकेट डालें, बिना कर्म उसको 3% तक ले किया जाए, ताकि आपका वाशिंग पाउडर साफ रहे, ऑयली भी बने और ये छोटे छोटे गंढे जो है ना वो लुक को थोड़ा परेशान करता है। बेटा मुट्ठी खोलो, ये निकले, ये भी क्यों निकले भाई? सोडियम सिलिकेट की वजह से, इस सोडियम सिलिकेट की वजह से ये गंढे बन गए। ये पानी में नहीं गलता, पानी में नहीं गलता, तो ये जो गंढे होते हैं जो वॉशरूम पाउडर होते हैं ये बिल्कुल चिपक जाते हैं। चिपक नहीं जाते, उस पानी में गल जाते हैं, सफाई में भी मददगार होते हैं, मगर लुक अच्छा नहीं आता यार। ये गंढे हैं, और जो कस्टमर कहे, दुकानदार कस्टमर के गया ये गंढे हैं, इसलिए सोडियम सिलिकेट 3% तक लेके आओ, ताकि आपका मसला भी हल हो जाए और गंढे भी नहीं बने। जनाब अली मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा लीडर भागा भागा फिर रहा है, एक जगह नहीं बैठा हुआ है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।